नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर रीवा जनपद पंचायत के सिलपरा ग्राम पंचायत से है, जहां के निवासी रवि प्रताप सिंह ने पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोगों पर आरोप लगाया है। रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी जमीन सड़क से लगी हुई है, लेकिन उनका रास्ता बंद कराने के लिए MPRDC की सड़क के पचासे में पिलर खड़ा कर पंचायत भवन बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन का रास्ता बंद करने के लिए जितेश सिंह, रितेश सिंह साजिश कर उक्त पंचायत भवन का निर्माण करने में सहयोग कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि इसकी शिकायत जिला पंचायत CEO से लेकर कलेक्टर तक की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। विरोधियों द्वारा आनन फानन में ट्रैक्टर के द्वारा पिलर बनाने का काम किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं घटना स्थल और सुनाते हैं पीड़ित ने क्या फरियाद लगाई। रवि प्रताप सिंह, मामला यह है सर कि हमने सुबह पटवारी को बुलाया था कि यहाँ पे जो पंचायत भवन बन रहा है, इसका निर्माण नक्शा कहाँ से पास हुआ है, जो कि हमारी जमीन 393 जिसका खसरा नंबर है। तो जो यहाँ पे पंचायत भवन का जो निर्माण हो रहा है, तो जो MPRDC की भी मतलब 50 के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो इनके दो पिलर जो भी हैं, तो ये 50 में, और हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। जिसको भी बोलता हूँ, हम बाहर कहीं सिगरौली में मजदूरी काम करते हैं, तो इनका 393 हमारी जो कि लगी हुई ज़मीन है, तो उसको उसमें मतलब कि ये कहीं निकल ना पाएँ, जिसकी चौड़ाई करीब 6 है और लंबाई 148 है, तो उसमें ये लोग विवाद करना चाहते हैं। विवाद की स्थिति आती है तो ये लोग भी हमारे भाई साहब अकेले फंस जाते हैं, ये लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी हमको न कोई पिलर करने दिया जा रहा ना कुछ है, जबकि हमारा कोर्ट से डिग्री हो चुका है कि पारित, कि मतलब आप डिग्री हमारे नाम से 25 हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। जब भी हो तो बोलते हैं कि हमारा मुकदमा चल रहा है। ये जितेश सिंह और रितेश सिंह, ये दोनों हैं जो ये सब बोलते रहते हैं, और हमारे किसी तरह से इनका ये दुकान खोल लिया, तो अपना कहीं निर्माण दिखाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, और वो पंचायत भवन का निर्माण में पूरा सहयोग ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और जो ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे पिलर कराया गया, तो वो भी पिलर जो पंचायत का नियम है मनरेगा के तहत काम होना चाहिए, तो उसका ट्रैक्टर से आनन फानन में, हम सिगरौली में रहते आनन फानन में, उन्होंने उसको पिलर को करवा दिया, जिसका वीडियो हमारे पास प्रमाणित है, हमारे परिवार का बनाए हुए वीडियो है। तो उसको ये लोग मानने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं, ना तो हमारा कोई, हमने जिला पंचायत CEO को दिखाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और ना कोई मानता ना कोई सुनने वाला है। कहाँ कहाँ शिकायत आपने के मामले की? हमने पहले ये लोग कब्जा करना चाहते थे, जितेश सिंह, रितेश सिंह, कमलेश सिंह वगैरह, तो इनके विरुद्ध हमने कलेक्टर साहब को एक अप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने 116 की कार्रवाई दोनों पार्टी की तरफ कर दिया। उसमें मतलब ना तो कोई देखने आया ना कुछ आया, और आज इसका पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग की जमीन है, और इसका कहाँ से क्या है, और ये जो पिलर है, तो MPRDC 50 के अंदर मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे इतनी कम जमीन बचती है कि उसका निर्माण नहीं हो सकता है उसमें पंचायत भवन में।